एक जरा शेर हो जाए हमारे चाहने वालों के लिए। जिंदगी यार नजर दी पई है, गम तो तार नजर दी पई है, अल्लाह बस कह चेते चाते गए हैं वाजे हाँ। और इसी से हमारी यादें जुड़ी हैं, बेहतरीन जगह है। क्या कि नहीं है लाल की बाबा जी की जय हो बाबा जी। ओए होए अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सब खैर वाफियत होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुश होंगे। और सुबह सुबह का मौसम है और आज हमारा जो है वो हार्ड बॉल का मैच है। आप देख सकते हो बिल्कुल तैयार वगैरह हुए पड़े हैं और आपको कुछ सुबह सुबह गली के मनाज़िर चेक करवाते हैं। हमारे दोस्त है बाप सुबह सुबह उठ गए हैं। ये है हमारे ताहिर भाई। ताहिर भाई कैसे हैं? ठीक है, खैर वाफियत है। ये है हमारे बाबा जी द ग्रेट मैन मुजफ्फर। हाँ जी, इस्लाम हो गया सबको जी। वालेकुम जी, की हाल चाल ने? ठीक हो दस बोल भी की हाल है तेरा? हाल बड़े खराब ने, सवेरे दे काम लगे हैं घुटने, आज दर्द बड़ी है। छोटी सी उम्र में घुटनों में दर्द शुरू हो गया तो आगे क्या करेगा जाके? आगे पता नहीं की हो रहा है। बाबे ने सवेरे आके मैं चाय दा दूध लेके आंदा, मैं घर गया, बाबा जी गायब हो गया। आशिका बनाई दी होनी है। सुबह सुबह जो है वो बाबा जी आग जला रहे हैं। हमारा आज हार्डबॉल का मैच है 40 ओवर का, हम वो जाके मैच खेलेंगे। और उससे पहले ज़रूरी है कि थोड़ी सी आग जो है वो थोड़ी सी सेक लें ताकि जो सर्दी हमें ना लगे। और ये देखें आग जला रहे हैं लेकिन आग जल नहीं रही है। बाबा जी जल्दी करें, आग जलाएं यार, बहुत सर्दी है। अल्लाह करते जो है बाबा जी ने आग जला दी है, अभी आग को हम सेक रहे हैं। आग के ऊपर हमने हाथ रखे हुए हैं। आपको भी बाबा जी मोहब्बत है आपकी जनाब, आपने इतनी सर्दी में मर ली, आग बली है जी। बाबा जिंदाबाद, बाबा जिंदाबाद, बाबा जिंदाबाद, बाबा जी की जय, बाबा जी की जय। बाबा जी की जय, जय कन्हैया लाल की, बाबा जी की जय हो। बाबा की नाम है दा, बाबे दा नाम जय कन्हैया लाल की। बाबा नवाब हुसैन गुल, हां क्या बात, पिंड दा नंबरदार है बाबा। इंदे आज 26 तारीख बंदे। बाबा जी हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी है यार, क्या बात। बाबा जी दूजा व्याह कर, की जलाई हुई आग पे आहिस्ता आहिस्ता गली के तमाम चाहने वाले आ रहे हैं। जनाब द ग्रेट मैन, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ओए होए, हमारे शहर का खूबसूरत मीनार जिसको देखकर होती है सुबह हमारी, और इसी से हमारी यादें जुड़ी हैं। बेहतरीन जगह है। सर्दी की वजह से जो है वो मैंने मास्क वगैरह डाला हुआ है, यार सर्दी बहुत ज़्यादा है। अभी ग्राउंड की तरफ चल रहे हैं, बस वह ग्राउंड में पहुंच गए हैं और ग्राउंड आपको दिखाते हैं क्या सूरत हाल है ग्राउंड की, जहाँ पे आज मैच खेलना है हमने। और आपको पता है कि स्पोर्ट्स मैन के लिए ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, इतनी धुंध में सर्दी में जो भी हो, फिर अपने आप को मेनटेन भी करना है, कोशिश भी करनी है इंशाल्लाह आगे जाने की। आपको ग्राउंड का एंट्रेंस दिखाते हैं। ये ग्राउंड का एंट्रेंस है, एंट्रेंस पॉइंट है। अभी क्योंकि काम चल रहा है ग्राउंड में, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि अभी ज़्यादा वसाइल नहीं है इतने, मैं जितने हैं उस हिसाब से काम कर रहे हैं। ये आपको जितना भी एरिया नज़र आ रहा है ये सारा हमारे ग्राउंड का है, बहुत वाइड ग्राउंड है हमारा माशाल्लाह। लेकिन 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 इसको भी पूरा होना है, पूरा होने के लिए इसको कुछ टाइम लगेगा। तरक्याती काम भी चल रहे हैं अभी, लेकिन अभी कम्प्लीट नहीं हुआ, जैसे कंप्लीट होगा इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। हमारे ग्राउंड की जो है वो फील्ड है। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या आधे आदिल कैसा है? ये ग्राउंड की आउटफील्ड है, अभी इस पर काम हो रहा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे काम होगा तो ग्राउंड में बेहतरी भी आएगी इंशाल्लाह। तो अभी इसी से काम चला रहे हैं, तो आउटफील्ड इतनी भी ख़राब नहीं है, बॉल ट्रैवल करती है और बाकी भी निज़ाम सारा ठीक है, बेहतर है। ये पिच बनाइए, देख सकते हो पीच भी बन चुकी है, आज मैच खेलते हैं इस पर। ये आउटफील्ड है, ये बच्चे भी खेल रहे हैं साथ। हमने टफ पिच के साथ जो है वो सीमेंटेड विकेट भी बनाई है अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ग्राउंड के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं सिटी में, तो उससे बचने के लिए हमने साथ जो है वो टफ विकेट भी बनाई है। हमारे साथ ये छोटे भी खेल रहे हैं, हमें ये हमारे साथ मैच लगाएंगे आज हार्ड बॉल का, देखते हैं हमसे जीतते हैं या हारते हैं। लगा दे रहा छक्का इस पर, तेरी खैर। शाबा 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 शाबा, मेरा पुत्र प्लेयर बनना है, फिर मेहनत तो करनी पैदा है ना। ए वेखो क्या बात है, रूलिंग करते हुए पिच, ट्रफ पिच रूलिंग से ही होती है, और अगर ट्रफ पिच को रूल ना किया जाए तो फिर उसका जो बाउंस है वो सब ख़त्म हो जाता है, और ट्रफ पिच के लिए जो है वो रूलिंग बहुत ज़रूरी है।
ये ग्राउंड का सारा व्यू था जो आपको चेक करवाया। अभी जैसे ही गेम स्टार्ट होती है तो फिर आपको गेम भी दिखाते हैं, और साथ जुड़े रहिएगा। क्रिकेट खेलने के लिए जो सबसे ज़रूरी बात है वो है एक प्लेयर के अंदर घुमंड ना हो, गरूर ना हो। और आपको एक ताज़ा मिसाल दिखाते हैं जी। ये हमारे भाई मुजफ्फरगढ़ से सुबह सुबह पहुँचे हैं, टाइम हो रहा है 11 का, और इतनी माशाल्लाह इनको मैच की है। और हमारी दुआ भी है कि जितनी ये मेहनत करते हैं इनको अल्लाह ताला वो मकाम दे जिसके ये हकदार हैं। सुनाएं आदिल भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है, खैर अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, ठीक ठाक। दुआएं हैं जी, क्रिकेट आज खेली जाएगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आए हाय हाय, मौसम तो बड़ा ही, ये मैं कह नहीं सकता, बहुत प्यारा पकड़ा है। अरे मैंने बड़ी, मेरे पास वो आती है सिफारिश आती है कि इसको ज़रा व्लॉग में लिया करें, खास बंदे की एक सिफारिश है। मैंने कहा चलो इसको, हमसे बड़ा स्टार है भाई, ये छोटा नहीं हमसे। फिर भी सुनाओ अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हाल चाल है? तबीयत से खैर मेरे, ड्रेसिंग तो बड़ी कमाल की हुई आज। बस सर्दी में बचना चाहिए ना। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये हमारे असद भाई, नबील भाई सुनाओ। 25 ओवर का मैच डिसाइड हुआ है, और डिसाइड कर रहे हैं कि दायरा कितने ओवर का होना चाहिए। 25 ओवर के मैच में वैसे 8 ओवर का होता है, 25 ओवर का मैच होता है ना, खेल दे हां 8 का करना है, फिर 8 चार जेड़े सर्कल दे दायरे दे ओवर ने ना, मकसद साइड हुआ है कि 25 ओवर का मैच है और उसके लिए भी टास वगैरह हो रही है, तो देखते हैं कि कौन जीतता है, साबरी या सुखेरा सीसी। दो टीमों के दरमियान मैच है। उस टाइम सुखेरा सीसी वर्सेस साबरी सीसी, फ्लिप द कॉइन। ये सुमन बहर या टेल मस्जिद कड़ी क्या बाबा, मस्जिद बाबा, हां छोड़ मस्जिद बाबा। हाँ जी, क्या करेंगे साइड, इंशाल्लाह बैटिंग करेंगे हम। ठीक है, सीसी ने टॉस जीत लिया है और टॉस जीतने के बाद वो बैटिंग करेंगे, हमारी फील्डिंग है, तो फील्डिंग के बाद आपसे मिलते हैं। दूसरी टीम ने पहले 25 ओवर में 170 का टारगेट है, असद भाई 180 का टारगेट है, 180 का टारगेट है गालिबान। और ये हमारा डगर आउट है असद भाई, और इंशाल्लाह भी चीयर्स शुरू करते हैं, फिर आपको माहौल दिखाते हैं। ये खूबसूरत मनाज़िर हमारे ग्राउंड के, आप देख सकते हो अभी हमारी बैटिंग शुरू होने वाली है। दूसरी बॉल डॉट बॉल, इनका आगाज़ हो चुका है, और बैटिंग के लिए मुदस्सर भाई हैं और बिशारत हैं, और लड़का आ रहा है बॉलिंग करने के लिए, बॉल करवाई, और ये खूबसूरत फील्ड लगी हुई है आप देख सकते हो, और बहुत ही मज़ेदार मौसम के साथ क्रिकेट एंजॉय हो रही है। फिर लड़के आए और देखते हैं इस बॉल पे क्या करते हैं बैट्समैन। बैट्समैन ने अपना क्रीज लिया और देखते हैं, और ये सिंगल। क्रीज पर अब खड़े हैं चीमा, मुदस्सर चीमा, बहुत ही आउट क्लास बैट्समैन है, और देखते हैं कि अब ये क्या करते हैं। इनिंग का आगाज़ अच्छा हुआ है हमारी टीम की तरफ से, और बॉलर भी जो हैं बॉल को हाथ में पकड़ के कुछ सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, परेशान है कि कैसे निपटा जाए इस होनहार बैट्समैन से। बॉल बैठ गई, ये इस पिच की खूबी है कि एक बॉल उड़ जाती है और दूसरी बॉल बिल्कुल बैठ जाती है। सेंटर में बैठा है ये छोटा सा बच्चा, एंजॉय करता हुआ मैच को और अपना बना रहा है व्लॉग। शारत फील्डिंग को देखते हुए और बहुत ही परेशान हैं कि क्या होगा इस बॉल पर, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी हिट की जाए लेकिन बड़ी हिट आ नहीं रही, प्रेशर में है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। और देखते हैं कि ये शॉट क्या होगा, क्या होगा, क्या, ओह माय गॉड, और ये आउट कर दिया है। कान की सूरत हाल बनी हुई है, 27 पे कोई आउट नहीं था और 27 पे दो आउट हो गए हैं। क्या लगता है आपको, जीतेंगे या हारेंगे, देखते हैं अभी। कंडीशन इतनी ख़राब है कि अभी हमने बदर लशारी भाई को बुलाया है, ये शायरे पे बैठे थे, मुशायरे पे, वहीं से सीधा इधर आ रहे हैं। मदर भाई हाथ हिला दें ज़रा, ऊपर तो देखे। हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि मदर भाई अपना मुशायरा छोड़ के आ जाए हैं, इन्होंने हमें टाइम दिया है तहजीब हाफ़ी और इन लोगों के साथ इनका उठना बैठना। अबे नहीं, ये टाइम लेके देते, पता नहीं क्या मुसीबत है इनको। कह रहे थे अभी किस चीज़ की नो बॉल थी, हाइट की, हाइट कहाँ से थी, नो दी थी वाइड, नबील के ऊपर थे, ऊपर से थी, ऊपर से थी, ओह माय गॉड, नबील के नीचे से थी। चलिए आज का मैच जीत चुके हैं, और आज के मैच के हीरो हैं आदिल, आपके जाके इनसे तारुफ करवा दे, और बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं आदिल भैया।
आज आपका तारफ करवाते हैं, बंदा बहुत ही जज्बाती हुआ खड़ा है। ये चीज जीत गए हैं आज का मैच, और आज के मैच के हकीकी हीरो हैं आदिल भाई। और आदिल का पूरा पूरा साथ दिया नबील ने, वेल्डन आदिल बहुत बहुत मुबारक हो जनाब, बहुत अच्छा खेले हो यार। क्या बात है भाई, क्या बात है, तूने फुल मजा लेके खेला है। जी जी माशाल्लाह फुल एंजॉय। एक्शन तो दिखा जो भी कर रहा था यार, ये लो। हां हां जिंदाबाद नबील भाई, वेल प्लेड शाबाश, बहुत अच्छे भैया। ये था हमारा आज का व्लॉग, और उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और बस आपसे यही हमारी इल्तिजा है कि जहाँ रहे खुश रहें, ज़िंदगी बहुत कम है, और बस इसको हंसी खुशी गुजारें, मुश्किलात पे काबू पाएँ, अगर मुश्किलात हैं तो उसे डील करना सीखें, और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ सब अच्छा होगा। ये था हमारा आज का व्लॉग, और जहाँ रहे खुश रहें, थैंक यू भाई। एक और शेर आदिल भाई की बैटिंग के लिए भी आज कुछ। उस दिन दा सोचना जेड़े दिन तेरा मैं भईवाल ना होवा, हाय हाय तकदीर दा आज कोई पत्ता है छिड़े मेरी गाल ना होवा, तेरे ज़हन च होवा हो सकदा है पर तेरे नाल ना होवा। अल्लाह मैं देख तो सही इस कट च मैं शायद अगले साल। व्लॉग की जो एंडिंग है वो आपको मज़र भाई के शेर के साथ करवाते हैं, बहुत ही माशाल्लाह नाम है इनका इलाके में, और जहाँ पर भी जाते हैं। अच्छा अच्छा, ये वही है, ये वही है भाई, ये वही मज़र भाई है, आपको इनका दीदार करवाते हैं और इनकी पोएट्री भी सुनते हैं। एक जरा शेर हो जाए हमारे चाहने वालों के लिए। जिंदगी यार नजर दी पई है, आहा गम तो तार नजर दी पई है, अल्लाह बस कैचे ते चाते गए हैं वाजे हार नजर दी पई है। अल्लाह क्या बात है, क्या बात है।